नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भाग हम करने जा रहे हैं। हमारे पास समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। और मैं आपको दोबारा बता देता हूं, हम जो विधि यहां पर करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वह है विलोपन विधि, वह है विलोपन विधि। तो आइए देखते हैं इस विधि को। सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक बार फिर से लिखूंगा, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। अब बच्चों हमने कहा था कि इसकी या इसकी, इन दोनों इक्वेशंस की, पहले तो इनको इक्वेशंस का नाम दे दो। यह है इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2। हमने कहा था दोनों में से किसी भी इक्वेशन को हम एक नंबर से गुना करेंगे ताकि उसके एक्स या वाई के गुणांक दूसरी के बराबर हो जाएं। अब देखो यहां है 3 लेकिन यहां एक्स के साथ है 2, तो 3 को किसी भी नंबर से गुना करो तो वो 2 नहीं आएगा। इसी प्रकार से 2 को किसी भी नंबर से गुना करो तो 3 नहीं आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां वाई के साथ है 4, यहां वाई के साथ है माइनस 2, है ना। तो यदि माइनस 2 है, ये 2 को 2 से गुना करके 4 बनेगा, यहां भी 4 है ना 4। तो हम इक्वेशन 1 को किसी से गुना नहीं करेंगे, इक्वेशन 2 को करेंगे। ठीक है, तो आप यहां लिखिए इक्वेशन 2 को कितने से गुना करें, 2 से गुना करेंगे ताकि 2 दुनी 4 हो जाए, y के साथ यहां भी 4 और y के साथ यहां भी 4, 2 से गुना करने पर। इक्वेशन 2 को 2 से गुना करने पर हमारे पास आ जाएगा, 2 को 2 से गुना किया 4x माइनस इस 2 को भी 2 से गुना किया 4y बराबर इस 2 को भी 2 से गुना किया 4। सभी पद 2 से गुना होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको कर दिया तो इसको नहीं करना, सबको ही करना पड़ेगा अगर गुना कर रहे हो तो। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को ऐसे लिख दो, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख देते हैं, 4x माइनस 4y बराबर 4। एक चीज बच्चों ध्यान से अब आपने देखनी है, मैं आपको एक पिछला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, पहला भाग, यहां पर 2x और 2x दोनों का साइन सेम था तो पहली में से दूसरी इक्वेशन माइनस हुई थी, लेकिन यहां पर दोनों का साइन अलग अलग है, ये प्लस 4 है ये माइनस 4 है, तो इसको माइनस नहीं करना, इसको एज इट इज प्लस कर देना दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को यदि माइनस करेंगे तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, तो ये कटेंगे नहीं, हमारा काम है इनको काटना, काटने के लिए इनको प्लस करें आपस में। तो देखिए प्लस 4y से माइनस 4y कट गया, तो इनको एक अभी हम इक्वेशंस को प्लस कर रहे हैं, तो 3x प्लस 4x हो गया 7x बराबर, यहां हो गया 10 प्लस 4 14, तो x किसके बराबर आएगा 14, 7 इधर गुना हो रहा है x के साथ, उधर जाके हो जाएगा भाग, 7 से 14 कट जाएगा 2। इसका अर्थ यह है कि x का मान कितना आ गया है हमारे पास, 2 आ गया है, x का मान कितना आ गया है 2। अब इसी x के मान को चाहे आप इक्वेशन 1 में डाल दो, चाहे आप इक्वेशन 2 में डाल दो, मैं इस x के मान को इक्वेशन 1 में डालता हूं। तो यहां लिखेंगे x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर या डालने पर। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 थी 3x, तो 3 गुना एक्स, एक्स का मान कितना आया 2, तो इस x की जगह यहां मैं लिखूंगा 2, आगे है प्लस 4y बराबर 10। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 में मैंने x की जगह 2 लिख दिया, बस इसको हल कर लो, 3 दुनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10, 6 यहां प्लस हो रहा है इस इक्वेशन के साथ, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4y बराबर 10 में से 6 माइनस किया, 4y बराबर 4, ये 4 इस y के साथ गुना हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, ये 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, तो हमारे पास y का मान आ गया है, 4 से 4 कट गया 1, तो y का मान आ गया है 1। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो समीकरणें थी,
इसे ये जो विधि है ना कि किसी एक इक्वेशन को गुणा करो और उसमें से एक चीज विलुप्त कर दो काट के, इसी को विलोपन विधि कहते हैं। ये देखो ये कट गया ना वाई, वाई कट के ये जो हमारे पास बचा है इसमें से वाई गायब हो गया है, विलुप्त हो गया है, इसीलिए इस विधि का नाम विलोपन विधि है। पहले हमने विलोप किया किसका, वाई का, तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू को हमने इक्वेशन वन में प्रतिस्थापित किया, तो यह विलोपन और प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है बच्चों, तो इस विधि से हमने एक्स की वैल्यू दो और वाई का मान एक निकाला है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो समझ आया होगा, यदि समझ आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।